यूट्यूबर एल्विश यादव मुश्किलों में घिर गए हैं। नोएडा पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला रेव पार्टी में सांपों के जहर की सप्लाई का है, जिसमें एल्विश यादव समेत 6 लोगों को, जिनके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल नोएडा सेक्टर 51 में पुलिस और वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो रेव पार्टियों में जहरीले सांप का जहर नशे के लिए सप्लाई करते थे। पुलिस ने सैफरन वेंडिंग विला में छापेमारी कर इस गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव का नाम भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह पार्टियों में जहर सप्लाई किया करते थे और मोटी रकम वसूलते थे। इनके पास से 9 जहरीले सांप भी बरामद हुए हैं, साथ ही 20 से 25 ml नशीला जहर भी बरामद किया गया है। थाना सेक्टर 49 इलाके का ये पूरा मामला है। तो यूट्यूबर एल्विश यादव, जो कि बिग बॉस के विजेता भी रह चुके हैं, और अब बड़ा आरोप उन पर लगा है, गंभीर आरोप लगा है। पुलिस ने 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, जिनमें से एल्विश यादव भी एक है। तो आरोप ये है कि रेव पार्टी में ये जहरीले सांप सप्लाई किया करते थे, और अब एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं, वो घिर गए हैं बुरी तरह से। फिलहाल ये देखिए आप एफआईआर की कॉपी, जहां पर एल्विश यादव का नाम भी लिखा गया है। कुल 6 लोग हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें राहुल, टीटू नाथ, जयकरण नारायण, जिन जिन का नाम है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और मुश्किलें अब कहीं ना कहीं एल्विश यादव की भी बढ़ गई हैं। और 6 नंबर पर देखिए एल्विश यादव यूट्यूबर जो लिखा गया है, उसके अलावा भी कुछ और लोग हैं जो कि अज्ञात बताए गए, और बाकी सब लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। चलिए सीधा हमारे साथ हिमांशु शुक्ला जुड़ चुके हैं, सीधा जानकारी के लिए रुख करते हैं। हिमांशु, एल्विश यादव जिसने बहुत कम वक्त में अपने इतने फैंस बना लिए बिग बॉस के जरिए कि अब बहुत सारे लोग हैं जो एल्विश यादव के बारे में कुछ बुरा सुन तक नहीं सकते, ऐसे ऐसे फैंस एल्विश यादव के हैं, लेकिन बहुत बुरी खबर उनके लिए, क्या क्या आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप हैं क्योंकि एल्विश यादव पर जो लगे हैं? देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और ऐसे लोग इन्फ्लुएंसर की श्रेणी में आते हैं। ये तमाम लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, जो लोग हैं इनको फॉलो करते हैं, और फिलहाल जिस तरीके से खबर सामने आ रही, पुलिस ने 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है और जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें वन विभाग को सूचना मिली थी, जिसके बाद लगातार इनको ट्रेस आउट किया जा रहा था, और अपने मुखबिर खास की सूचना के बाद इन लोगों से मुलाकात हुई, जिसमें इनका मुख्य आरोपी राहुल है। राहुल जब वहां पर पहुंचा, उसके बाद पुलिस ने और वन विभाग ने इनसे जो है सप्लाई करने की बात कही थी जहरीला पदार्थ, और उसके बाद जब ये लोग तमाम लोग वहां पहुंचे तो पुलिस और वन विभाग ने वहां एकाएक रेड की है। रेड करने के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 9 जहरीले सांप हैं, जिसमें अजगर है, इसके अलावा 2 मुहे सांप हैं, लाल सांप हैं। इन तमाम सांप बरामद हुए हैं, 20 से 25 ml जो है वो जहर भी बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि ये रेव पार्टियों में इस्तेमाल होता था, दिल्ली एनसीआर में जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी उन पार्टियों में ये जहर सप्लाई किया जाता था। इसके अलावा जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि एल्विश यादव तमाम तरीके के वीडियोज बनाते थे, और उनमें से एक वीडियो न्यूज 18 के हाथ भी लगा है, जिसमें वो देख रहे, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि विदेशी लड़कियों के साथ वो सांप से किस तरीके से खेल रहे हैं, उसका वीडियो बनाया गया है। उसके बाद अब इस तरीके की खबर सामने आती है, और जिसके बाद इनके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि एल्विश यादव के साथ यह आरोप लगा है कि ये जो लोग हैं, 5 लोग गिरफ्तार किए हैं, ये रेव पार्टी के नाम पर पहुंचते थे और यहां पर जहरीले सांप का जो जहर है वो रेव पार्टियों में सप्लाई किया करते थे। लिहाजा इस पर जो है नकेल कसते हुए वन विभाग की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया। गंभीर धाराओं में वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ, और धारा 120 बी के तहत भी ये मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, और इस समय हम थाने के बाहर ही मौजूद हैं। आप देखेंगे कि तमाम लोग, जैसे जैसे सूचना मिल रही है, लोग पहुंचने लगे हैं यहां पर, और क्योंकि एफआईआर में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, आपको बता दें कि इसमें लिखा गया है कि स्नेक वेनम और जो जिंदा सांप होते थे वो रेप पार्टियों में जाते थे, और इस दौरान क्योंकि ये गैर कानूनी है, इस लिहाज से यहां पर जो है पार्टियों में इस तरीके का नशीला पदार्थ का सेवन किया जाता था। और अब जब ये 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उसके बाद कड़ी खुली है, और जिसमें इन 5 आरोपियों ने एल्विश यादव, जो बिग बॉस के विजेता भी हैं, फेम भी हैं, उनका नाम लिया है, और उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। जी,
बिल्कुल, तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब कई गंभीर धाराओं के तहत चूंकि मुकदमा दर्ज हुआ है और वो वीडियो भी लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जिस वीडियो के जरिए ये साफ दिख रहा है कि किस तरह से अल्पेश यादव जो कि एक सांप के साथ खेलते हुए दिख रहे हैं। अच्छा हिमांशु, इस पर क्या कार्रवाई अब हो सकती है अल्पेश यादव पर जो आपने धाराएं बताई, और साथ ही साथ एक और जानकारी की क्योंकि एक वन्य जीव है और उनके साथ क्रूरता का भी एक मामला ये बन जाता है, तो उस तरह से उस लिहाज से अगर हम देखें तो किस तरह से कार्रवाई हो सकती है अल्पेश यादव पर? देखिए आपको बता दें कि ये देखना होगा ये बिलेबल है नॉन बिलेबल वारंट है, क्योंकि आपको धाराएं अगर बता दें तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो धारा है 9 है, इसके अलावा 39 है, 48A है, 49 है, 50 है और वन जीव संरक्षण अधिनियम के 1972 के धारा 51 के तहत, यानी कुल 6 धाराओं और 7 120B यानी षड्यंत्र रचने के उसमें मुकदमा 7 धाराओं के तहत लिखा गया है। इसमें नामजद आरोपियों के भी आपको नाम सभी बता देते हैं, राहुल है जिससे कि लगातार ट्रेस आउट किया जा रहा था और राहुल इनका सरगना है। राहुल के अलावा टीटू नाथ है, जयकरण है, नारायण है, रविनाथ है और जो छठा नाम है वो अल्पेश यादव यूट्यूबर का है और 7 अन्य सदस्य, यानी अभी ये जांच आगे की जाएगी, जांच में और भी नाम सामने आ सकते हैं क्योंकि लगातार दिल्ली एनसीआर गुड़गांव और इन तमाम जगह रेव पार्टियों का आयोजन किया जाता है और इन रेव पार्टियों में ही ये जो जहरीला पदार्थ है, जो नशीला पदार्थ है ये सप्लाई किया जाता था और इसी पूरे प्रकरण में जब इन लोगों को गिरफ्तार किया है, पूछताछ में इन्होंने अल्पेश यादव यूट्यूबर है उनका भी नाम लिया है। अल्पेश यादव हाल फिलहाल में जो है वो बिग बॉस के विजेता भी रहे, इसके अलावा यूट्यूब पर उनकी बड़ी फॉलोइंग है, 15 मिलियन करीब करीब सब्सक्राइबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर है, तमाम जगह बुलाए जाते हैं, लेकिन इस तरीके से संलिप्तता कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करती है। जी बिल्कुल हिमांशु, और जो बाकी के आरोपी हैं उनके बारे में भी कुछ जानकारी मिल पाए कि वो कहां कहां से ताल्लुकात रखते हैं, अल्पेश के साथ कितने वक्त से संपर्क में थे, और जो वीडियो दिख रहा है अल्पेश यादव का जो सोशल मीडिया पर वायरल भी है, उस वीडियो के आधार पर भी क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है? देखिए आपको बता दें 5 लोग जो गिरफ्तार किए गए जिनके नाम अभी हमने आपको पूर्व में बताए, ये तमाम लोग पूर्वी दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं, बदरपुर इलाके से, और 5ों लोगों को यही नोएडा के सेक्टर 51 से एक बैंक्वेट हॉल से गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके अब कुछ ही देर में इनको मेडिकल कराने के बाद जेल भेज दिया जाएगा। अल्पेश यादव पे कार्रवाई के बाद, क्योंकि जिस तरीके से तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं एक एक, अब पुलिस अपनी छानबीन में जुटी हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि इनको नोटिस भेजकर बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। जी